सीन में जैसे टच मोबाइल होते हैं ना, वैसे मुझे लगता है रोनी ने भी अपने अंदर कोई टच सिस्टम फिक्स करवाया है, क्योंकि इसने सिर्फ टच किया है शेड्यूल को और वो कहां से कहां पहुंच गया। मैंने कहा ना इसने कोई अपने अंदर टच सिस्टम फिक्स करवाया है, कि ये अपने पैर से इनके पैरों को सिर्फ टच कर रहा है और देखा हुआ क्या इनके साथ। इसी में ध्यान से देखिए इस मासूम चेहरे को, इसे दुख इस बात का नहीं होगा कि रोनी ने इसकी धोनी की, पर इस बात का होगा कि भाई धोने से पहले जिप तो बंद करने देता। और जब रोनी इसे पटकता है तो ये इंडियन फ्लैग यहाँ से ऊपर उड़ता है, पर यहाँ लैंड कैसे करता है क्योंकि रोनी इसे यहाँ से पकड़ता है। एक्सप्लेन अस प्लीज। इसी में अब इस चिटकोट ने खुद जंप मारी है, और फजूल जंप मारी है कि रोनी घुमा के गन पेट में मारे, और जैसे मारी है उसके बाद साफ लग रहा है कि रोनी भी उसके बाद गिरा ही होगा। नहीं नहीं भाई मेरी मानो गिरा ही होगा, कि ऐसे एंगल से खड़ा नहीं हो सकता बंदा। यार अब इस सीन को देखकर मुझे इस बंदे पर बड़ा तरस आ रहा है, कि बड़ी जोर से रोनी ने इसको किक मार दी है।